चुनाव में कांग्रेस के के ध्रुव ने जीत हासिल की है। रायपुर में कांग्रेस कार्यालय पहुंचते ही उनका स्वागत हुआ। सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर इस्तकबाल किया और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। ध्रुव साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जो मरवाही की जनता ने इतनी बड़ी वोट दे करके इतनी बड़ी जीत आपकी सुनिश्चित की है, तो उसकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा जी जी। तो उस उम्मीद को कैसे पूरा करें? अब देखिए, जनता ने मुझे इतना जन आदेश दिया है तो उनके सम्मान के लिए, उनके जो प्राथमिक जो समस्या है, आवश्यकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सब उन पे मैं जोर दूंगा। नहीं, लेकिन आप चुनाव प्रचार में देखा आला लटका के घूम रहे थे, आला आज भी लटका हुआ है क्या? वो क्या है, मैं डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि ग्रामीण तो एरिया है। ये बड़ा सवाल है कि आप जब जाएंगे क्षेत्र में तो आला लटका के घूमेंगे या ऐसी घूमेंगे माला लटका के? हाँ, रहेगा सर, आला रहेगा कि माला रहेगा? आला माला दोनों रखूंगा, दोनों की जरूरत है जी, दोनों की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, चूंकि 69 ऑलरेडी है कांग्रेस के पास, बहुत सारे हैं और बहुत सारी जो अपेक्षाएं होती है विधायक की, अगर संख्या कम होती है तो अपेक्षाएं ज्यादा पूरी होती जी है जी। तो ये भी एक चैलेंज होगा आपके सामने? तो ये देखिए, उपचुनाव है और इतना जन आदेश मिला है और पूरे संगठन और हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उसमें लगे थे, तो निश्चित है कि वो पूरा फोकस हुआ है तो उसमें विकास के लिए ही फोकस किया जाएगा। अच्छा एक चीज, वो पांच काम गिनाइए जो आप मरवाही के लिए अब करने वाले हैं। पांच तो वही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क में सुधार। सड़क में सुधार होगा क्योंकि पसान वाली सड़क बहुत खराब है। पसान है और अपना पेपर रोड। अच्छा, उसकी जो कनेक्टिविटी सरगुजा से है वो मुकम्मल सेमर दर्जी, तो उसको भी करेंगे क्या सुनिश्चित? हाँ करेंगे सुनिश्चित। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे माला पहने हुए मरवाही के विधायक के ध्रुव, जो चुनाव प्रचार में आला पहने हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि जब भी वो मरवाही जाएंगे तो उनके गले में आला और माला दोनों होगा। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।